हेलो गाइस, वेलकम टू जितेंद्र आर्य क्लासेस। आज हम जो है मनी एंड बैंकिंग की जो सेकंड चैप्टर है बैंकिंग, उसको जो है स्टडी करने जा रहे हैं आज के वीडियो में। तो इसमें बेटा सबसे पहले क्या है आपके पास टॉपिक है बैंक। बैंक क्या होता है? तो बैंक एक इंस्टीट्यूशन होता है विच रिसीव्स फंड, जिसका काम पैसे रिसीव करना है फ्रॉम द पब्लिक, पब्लिक से, एंड गिव लोन्स एंड एडवांसेस टू दोज हु नीड देम। जो ज्यादातर इसमें नीडी पर्सन होते हैं, नीडी पर्सन मींस क्या होता है, प्रोड्यूसर्स, यानी कि जो रिपे भी कर सकते हैं। तो इससे बैंक में पता चला कि एक इंस्टीट्यूशन है जो क्या करता है, फंड्स को रिसीव करता है पब्लिक से, और लोन और एडवांसेस किसको देता है, प्रोड्यूसर्स को, या फिर आपका हाउस होल्ड्स को भी, कुछ आवश्यकताएं पड़ सकती हैं लेकिन मेजरली प्रोड्यूसर्स को देता है। अब हमारा जो सेकंड इसमें है बैंकिंग, बैंकिंग क्या होता है, जो आपके चैप्टर का नेम भी है। तो बैंकिंग क्या है? इट इंप्लाइज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। इसका मतलब क्या है कि जो डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करते हैं ऑफ मनी, मनी के डिपॉजिट्स को फ्रॉम द पब्लिक, सेम यही चीज है, फ्रॉम द पब्लिक फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट, यानी कि किसी दूसरे आदमी को उधार देने के लिए या इन्वेस्टमेंट के पर्पज से, विच इज रिपेएबल ऑन डिमांड, यानी कि जब पब्लिक उसको वापस मांगे तो उस टाइम बैंक को क्या करना पड़ेगा, रिपे करना पड़ेगा पब्लिक को बाय मींस ऑफ चेक्स, ड्राफ्ट और इवन कैश, यानी कि चेक से, ड्राफ्ट से या कैश किसी भी तरीके से पब्लिक को पैसे वापस करने पड़ सकते हैं अगर पब्लिक उसको मांगे। तो अब हमारे पास क्या है, बैंक और बैंकिंग। तो बैंकिंग एक सिस्टम है जिसमें बहुत सारे बैंक होते हैं और जो है वो अपने फंक्शंस को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। तो बैंकिंग एक वाइड कॉन्सेप्ट है जिसमें बैंक के फंक्शंस को स्टडी किया जाता है। तो हम देखते हैं जो हमारा सबसे पहले मेजर बैंक जो है कमर्शियल बैंक, तो ये क्या है, इज एन इंस्टीट्यूशन विच परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ एक्सेप्टिंग, यानी कि ये भी एक्सेप्ट करते हैं पब्लिक से क्या, डिपॉजिट्स मनी की फॉर्म में, एंड ग्रांटिंग लोन्स एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स, क्या करते हैं, लोन देते हैं और इन्वेस्टमेंट करते हैं विद एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। तो इनका मेन एम क्या होता है कमर्शियल बैंक्स का, आपका अर्निंग प्रॉफिट, प्रॉफिट अर्न करना। तो इंडिया में इस टाइप के बहुत सारे बैंक हैं। पहला है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, तो इस तरीके से आईसीआईसीआई बैंक, और भी आपके जो है बैंक है बहुत सारे। अब हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ अ कमर्शियल बैंक। तो कमर्शियल बैंक के फंक्शन क्या होते हैं, बेसिकली बेटा दो आपके इसके क्या होते हैं, फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट फंक्शन क्या होता है, प्राइमरी, और फिर क्या होता है, सेकेंडरी फंक्शन। तो प्राइमरी फंक्शन क्या होता है आपका, यानी कि जो किसी भी वर्ल्ड में होगा अगर बैंक, तो ये दो काम तो पक्का करेगा ही करेगा, यानी कि आपका डिपॉजिट्स को पब्लिक से एक्सेप्ट करेगा और एडवांसिंग ऑफ लोन्स, लोन क्या करेगा, नीडी या जो नीड वाले पर्सन से या प्रोड्यूसर्स है उनको देगा। सेकेंडरी फंक्शंस क्या होते हैं आपके, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, तो बेटा इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे, और डिस्काउंटिंग, बिल ऑफ एक्सचेंज, एजेंसी फंक्शंस, एंड लास्ट अदर यूटिलिटी फंक्शंस। तो बेटा इस पूरे लेसन के अंदर हमें यही पढ़ना है आज की यूनिट में या आज की वीडियो में, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे हैं कमर्शियल बैंक के प्राइमरी फंक्शंस। तो वैसे कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं वो दो पिलर्स के ऊपर बेसिकली चलते हैं। सबसे पहला क्या है, हाउस होल्ड से तो क्या करते हैं, ये बोरो रेट पर मनी को एक्सेप्ट करते हैं, और प्रोड्यूसर्स जो होते हैं उनको लैंडिंग रेट पर क्या करते हैं, आपका लैंड करते हैं या उधार देते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर के बीच में इंटरमीडिएट्स का काम करता है कमर्शियल बैंक, क्या करता है इनके बीच में इंटरमीडिएट का काम करता है, और जो इन दोनों रेट्स के बीच में इनकम होती है, जो डिफरेंस होता है, उसे नॉर्मली क्या कहा जाता है, प्रॉफिट कहा जाता है। तो ये दो बेसिक पिलर हैं। अब हम देखते हैं कमर्शियल बैंक के प्राइमरी फंक्शंस। तो सबसे पहला जो फंक्शन है, जो वर्ल्ड में कोई भी बैंक होते हैं उसका सबसे पहला जो फंक्शन होता है वो क्या होता है आपका, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। तो दे एक्सेप्ट डिपॉजिट्स इन मेनी फॉर्म्स, अलग अलग टाइप से बैंक क्या करता है, पब्लिक से मनी एक्सेप्ट करता है,
और दूसरा क्या है, डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, अलग अलग सोसाइटी में सेक्शंस होते हैं, अलग अलग कैटेगरी के पीपल्स होते हैं, उनसे लोन जो है या पैसे को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। तो हम देखें इसके अंदर क्या है, आपका करंट अकाउंट। सबसे पहले जो फॉर्म्स हैं वो थ्री टाइप्स की फॉर्म है, वैसे तो बहुत सारी है लेकिन आपके कोर्स में स्टूडेंट्स ओनली थ्री है, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट एंड फिक्स्ड अकाउंट। तो ये तीन टाइप के अकाउंट होते हैं। करंट अकाउंट को नॉर्मली डिमांड डिपॉजिट्स भी कहा जाता है और इसे टाइम डिपॉजिट्स भी कहा जाता है, फिक्स्ड अकाउंट को। तो अब हम इन तीनों में डिफरेंस देखते हैं। सबसे पहले जो करंट अकाउंट नॉर्मली कौन है, बिजनेसमैन क्या करते हैं, आपका ओपन करते हैं बैंक में। हाउसहोल्ड्स सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं, और जो फिक्स्ड अकाउंट होता है ये भी नॉर्मली हाउसहोल्ड ही क्या करते हैं, ओपन करते हैं। अब जो सेकंड है इसमें कि जो करंट अकाउंट होता है ये क्या होता है, रिपेबल ऑन डिमांड होता है। रिपेबल ऑन डिमांड क्या होता है, जब भी कस्टमर मांगेगा बैंक को उसे क्या करना पड़ेगा, वापस करने पड़ेंगे। इसी तरीके से सेविंग अकाउंट में होता है, हाउस होल्ड जो पैसे जमा करा के आते हैं जब उन्हें जरूरत होती है, वो बैंक से पैसा मांग लेते हैं और बैंक उनको चेक के थ्रू या कैश भी पे कर देता है। अब फिक्स्ड अकाउंट में ऐसा नहीं है, इसमें क्या है, फिक्स्ड टाइम, 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर। तो इस तरीके से उसी टाइम पर ये क्या होता है, रिपेबल होता है। अब इसमें क्या होता है, जो करंट अकाउंट वाला सिनारियो होता है इसमें होता है मोर ट्रांजैक्शंस। इसके अंदर ज्यादा ट्रांजैक्शन होती है क्योंकि ये नॉर्मली बिजनेसमैन करते हैं, तो एक दिन के अंदर 2 या 3 टाइम्स भी हो सकता है, मैक्सिमम 10 टाइम्स, 15 टाइम्स भी हो सकता है। मंथ में आपका बिजनेस के अकॉर्डिंग हो सकता है, 50, 200 या 200, जितना भी रेंज है वो आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग होता है। तो इसमें ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा होती है। और सेविंग के अंदर जो हाउस होल्ड होते हैं नॉर्मली क्या होता है, वीकली बेसिस पे या आपका मंथ में 10 टाइम्स नॉर्मली जा सकते हैं, वैसे ज्यादा भी सकते हैं, लेकिन इसको क्या कहते हैं हम, सेविंग अकाउंट। इसमें आपकी लेस ट्रांजेक्शन होती है और इसमें ओनली दो ही ट्रांजेक्शन होती है, एक तो जब उसको हम जमा करने के लिए जाते हैं डिपॉजिट करने के लिए, और जब उसको 2 या 3 ईयर या जो भी हमारी टाइम लिमिट है उसके बाद निकालने जाते हैं, तो इसमें केवल 2 ट्रांजेक्शन होती है। इसमें करंट अकाउंट में क्या होता है, नॉर्मली नो इंटरेस्ट। इसमें बैंक क्या करते हैं, इसको कोई इंटरेस्ट नहीं देते, उल्टा सर्विस चार्ज जो है आपका उनसे लेते हैं जो बिजनेसमैन होते हैं। अब सेकंड नंबर पे जो सेविंग अकाउंट है इसमें क्या है, लेस इंटरेस्ट, यानी कि इसमें इंटरेस्ट रेट नॉर्मली क्या होती है, कम होती है, 6% के अप्रोक्स होती है। और जो हाईएस्ट इंटरेस्ट है आपका, ये आपका किसके अंदर होता है, फिक्स्ड अकाउंट के अंदर। तो फिक्स्ड अकाउंट में हाईएस्ट है ये, लगभग 8% या 10% तक भी चला जाता है। तो इस तरीके से हमारा एक्सेप्टिंग डिपॉजिट जो है ये वाला फंक्शन खत्म हो चुका है। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, सेकंड फंक्शन देखते हैं, एडवांसिंग ऑफ लोन्स। तो इसमें क्या होता है, बैंक के पास जो ये पैसा आया इसको वो आइडल तौर पर तो रखेगा नहीं, उसको क्या करेगा, उसमें से कुछ हिस्सा कैश रिजर्व के तौर पर अपने पास रख कर क्या करेगा, नीडी बोरोवर्स यानी कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको क्या करेगा, आपका लोन देगा। और इस तरीके से उसका इनकम सोर्स स्टार्ट हो जाएगा, किसका, कमर्शियल बैंक का। तो ये जो लोन होते हैं वो थ्री टाइप से देता है, एक तो कैश क्रेडिट, डिमांड लोन्स एंड शॉर्ट टर्म लोन्स। तो ये तीन टाइप से क्या करता है, लोन पे करता है, कौन, कमर्शियल बैंक। अब ये क्या है, गिवन टू बोरोवर अगेंस्ट हिज करेंट एसेट्स। अगर किसी के पास करंट एसेट है, शेयर्स है, स्टॉक्स है, तो उसको गारंटी के तौर पर रखकर ये लोन दिए जाते हैं नॉर्मली। और इंटरेस्ट इज चार्ज्ड ऑन अमाउंट एक्चुअली विदड्रॉन। हाँ, इसमें एक खास बात ये है कि मान लिया जाए आपने कितने का लोन लिया है, 10,000 का। अगर 10,000 में से आपने ओनली 5,000 ही निकाले हैं, अगर आपने 5,000 निकाले हैं तो केवल आपको 5,000 का ही क्या करना पड़ेगा, लोन पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो इसमें एक खास बात है। डिमांड लोन क्या होता है, ये जनरली जो है एग्जिस्ट ना के बराबर ही करता है। इसमें क्या है, रिकॉल्ड ऑन डिमांड बाय बैंक एनी टाइम। इसमें बैंक कभी भी क्या कर सकता है, जिसको लोन देते हैं उससे पैसे वापिस मांग सकता है। और इंटरेस्ट इज चार्ज्ड ऑन एंटायर सम। इसमें सारे के सारे पैसे पर या जो लोन लिया है उस पूरे पर इंटरेस्ट चार्ज करता है बैंक।
अब जो थर्ड है इसमें शॉर्ट टर्म लोन्स गिवन एज पर्सनल लोन्स अगेंस्ट कोलेटरल सिक्योरिटी, तो इसमें भी कोलेटरल सिक्योरिटी होती है जिसमें शेयर स्टॉक और उस टाइप से आपकी एसेट्स होती हैं, तो उस पर भी पर्सनल लोन जो है आपके दिए जाते हैं। इसमें भी क्या होता है एंटायर सम पर आपका क्या है चार्ज होता है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमारा प्राइमरी फंक्शन फिनिश हो चुका है, अब हम सेकेंडरी फंक्शन देखते हैं। नोट इट डाउन नाउ स्टूडेंट्स, सेकेंडरी फंक्शन आपका इसके अंदर जो फर्स्ट फंक्शन है सेकेंडरी फंक्शन में बेसिकली क्या है, फोर फंक्शन है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। तो हम सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन देखते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। तो स्टूडेंट बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, कस्टमर इज अलाउड टू ओवरड्रॉ हिज करंट अकाउंट, यानी कि किसी ने अगर बैंक में करंट अकाउंट खोल रखा है तो उससे क्या है मान लिया उसके करंट अकाउंट में है 50,000 और वो किसी दिन खत्म हो जाते हैं और उसका जो एक्सेस और उसको 20,000 कहीं पर वो पे कर देता है लेकिन उसके बैंक में अकाउंट में नहीं होता, तो क्या करेगा कि ये बैंक के ऊपर डिपेंड है वो उस लिमिट को पूरा करेगा या नहीं करेगा। तो इस तरीके से 20,000 जो है आपका ये क्या होगा उस कस्टमर को बैंक उसकी तरफ से पे कर देगा उसकी रेपुटेशन के बेस पर या उसका जो बैंक में उसकी डीलिंग है उसके बेस पर, जरूरी नहीं है सबके लिए फैसिलिटी हो। अब कस्टमर को केवल इसके लिए क्या करना पड़ेगा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और नेक्स्ट डे जब वो या टू या थ्री डेज के बाद 80,000 रुपीज मान लिया वो उसमें डिपॉजिट करने चला जाता है तो बैंक ये 20,000 उसमें से क्या कर लेगा कट कर लेगा प्लस में इंटरेस्ट। तो ये था बेटा आपका बैंक ओवरड्राफ्ट। तो ये फर्स्ट फंक्शन है, तो बैंक अपने कस्टमर्स को इस तरीके से भी फैसिलिटी देता है। नाउ सेकंड डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है आपको इसमें क्या कहते हैं कि मान लिया जाए ए के पास एक बिल है और वो उस बिल को क्या करता है बैंक के अंदर जाकर या 10,000 का बिल है और उसको बैंक में जाके क्या कर देता है जमा करा दिया। अब ये ए क्या करता है इसके पास बैंक के पास जाता है कि सर मुझे क्या करना है कि आप जो है मैच्योरिटी से पहले ही पैसे दे दीजिए, मान लिया मैच्योरिटी है आपकी 3 मंथ की, तो बैंक क्या कहेगा दे देंगे लेकिन हम एक सर्टेन कमीशन डिडक्ट करेंगे, इट मे बी 10% 5% जो भी उनकी डीलिंग होती है। तो मान लिया जाए इसमें 5% है तो 500 आपका क्या हो जाएगा कमीशन हो जाएगी, यानी कि जो बैंक कमीशन लेगा वो कितनी लेगा उसी टाइम पर पे कर लेगा 500 और बैलेंस पे टू होल्डर यानी कि ए को कितना पे कर देगा आपका 9500 और जो आपका गेट पेमेंट फ्रॉम पार्टी यानी कि ए ने जिससे पैसे लेने थे मान लिया वो पार्टी थी बी, तो बैंक बाद में 3 मंथ के बाद इस पार्टी से क्या करेगा पूरा का पूरा 10,000 जो है ले लेगा। तो इस तरीके से आपका डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज का फंक्शन जो है आपका परफॉर्म करता है बैंक। अब हमारे पास क्या है थर्ड एजेंसी फंक्शंस, एजेंसी फंक्शंस। तो इसमें क्या है आपका ट्रांसफर ऑफ फंड्स, ट्रांसफर ऑफ फंड्स। तो ये एजेंसी फंक्शन जो होते हैं ये आपका क्या होता है एक एजेंट की तरह भी काम करता है बैंक, क्या करता है एजेंट की तरह, जैसे आपके ट्रांसफर ऑफ फंड्स एक स्टेट से दूसरी स्टेट में मान लिया बहुत सारे जो है आपका लोग दिल्ली में रहते हैं और वो क्या करना चाहते हैं बिहार में एमपी में या महाराष्ट्र में किसी को पैसे पे करना चाहते हैं तो डीडी के थ्रू दिए जाते हैं, और अगर एक स्टेट के इंटरनल मैटर होता है तो बैंकर्स चेक, यानी कि जैसे आपका दिल्ली टू दिल्ली अगर पे करना है तो उसमें नॉर्मली बैंकर्स चेक जो है अब ये कॉन्सेप्ट वैसे ओल्ड होती चली जा रही है। तो अब सेकंड फंक्शन क्या है आपका कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम्स, तो कलेक्शन और पेमेंट का काम भी कौन करता है बैंक करता है, जैसे रिसिप्ट डिविडेंड हमें अगर किसी से रिसिप्ट करना है कंपनी से या रेंट रिसिप्ट करना है तो ये हमारा कलेक्शन का काम कौन बैंक करता है, और पेमेंट ऑफ टैक्स अगर कोई टैक्स पे करना है या इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना है तो वो क्या होगा हमारे बिहाफ पर कौन पे कर देगा बैंक। अब थर्ड फंक्शन जो है परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज, तो जो सिक्योरिटीज है जैसे मान लिया कस्टमर को हो सकता है कि शेयर्स जो है परचेज करने हो डिवेंचर्स स्टॉक्स परचेज करने हो या सेल करने हो तो वो फंक्शन भी कौन परफॉर्म करता है आपका बैंक। तो ये एजेंसी फंक्शंस होते हैं,
फोर्थ क्या है, इनकम टैक्स कंसल्टेंसी का काम भी करता है, यानी कि बैंक क्या करता है अपने कस्टमर्स को यह भी बताता है कि आपका इनकम टैक्स किस तरीके से कैलकुलेट होगा, और इवन क्या करता है इनकम टैक्स रिटर्न भी प्रिपेयर करता है अपनी कस्टमर्स के लिए। और लास्ट क्या है आपका लेटर ऑफ क्रेडिट, इसमें क्रेडिट क्या है कई जगह पर अगर कस्टमर को गारंटी की जरूरत होती है तो वहां पर लेटर ऑफ क्रेडिट भी देता है। नॉर्मली ऐसा आपका जब इंपोर्ट की सिचुएशन होती है तो वहां पर लेटर ऑफ क्रेडिट या गारंटी दी जाती है। अब हमारे पास जो फोर्थ फंक्शन है अदर यूटिलिटी फंक्शंस, यानी कि और भी छोटे मोटे कई फंक्शंस है वो भी क्या है बैंक परफॉर्म करता है। तो फर्स्ट फंक्शन क्या है लॉकर फैसिलिटी, यानी कि इसके अंदर आप अपनी विल गोल्ड कोई भी चीज जो वैल्यूएबल एसेट्स होती हैं आर्टिकल्स होते हैं आप उसमें उसको रख सकते हो। और बैंक इसके लिए क्या करता है जस्ट नॉमिनल चार्ज क्या करता है आपका डिडक्ट करता है। एक ट्रैवलर चेक, मान लिया आप बाहर कहीं घूमने जा रहे हो और आप वहां पर कैश रखना आपके लिए बड़ा कंबरसम काम होता है रिस्की होता है, तो वहां पर आप क्या कर सकते हो ट्रैवलर चेक जो है बैंक आपका आपको क्या कर देता है इशू कर देता है और आप उसको क्या कर सकते हो यूज कर सकते हो फॉरेन कंट्रीज में भी। अब अंडरराइटिंग सिक्योरिटीज, अंडरराइटिंग सिक्योरिटीज जो है शेयर एंड सिक्योरिटीज के लिए होता है। इसके अंदर भी क्या होता है कि अगर कोई फर्म अपने शेयर सेल करना चाहता है तो बैंक के ऊपर तो सारे ट्रस्ट करते हैं, तो बैंक उसमें से उस कंपनी से अपना कुछ शेयर ले लेता है 2% 3% और उसके शेयर्स को इश्यू कर देता है मार्केट में और पब्लिक क्या करती है बैंक की गारंटी पे उन शेयर्स को परचेज कर लेती है। तो बैंक आपका शेयर सेलिंग का काम भी करता है। अब आपका कलेक्शन ऑफ स्टैटिक्स पब्लिश डाटा, यानी कि जो आपका बैंक है वो डाटा भी पब्लिश करता है ट्रेड से कॉमर्स से इंडस्ट्रीज से रिलेटेड, जिससे इन तीनों को भी हेल्प होती है, इसके कस्टमर्स को भी हेल्प होती है और अपने कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन भी इनको देता है कि भाई आजकल लोगों की जो है किस किस तरीके की नीड्स होती चली जा रही है, तो ये आपस में इस तरीके से हेल्प करता है बैंक। तो बेटा ये वीडियो आपका जो है आज का खत्म हो चुका है, मुझे लगता है कि ये आपको जो है वीडियो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो क्लियर है तो आप लाइक कीजिए शेयर कीजिए, आपका इसी तरीके से कोर्स जो है हम कवर करते चलेंगे और जो बोर्ड्स में आपका 100% का जो स्कोर है उसके टारगेट के लिए हम बिल्कुल डेडिकेटेड तरीके से काम करेंगे। ओके बॉस, थैंक यू।